तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मिंगटेन शिवी के ऊपर वाइन गिराकर फेंग्यू को पार्टी में जाने से बचा लेता है और फेंग्यू उसको खाने की ट्रीट देती है। फिर खाना खाने के बाद वो दोनों घर जाकर एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। कहीं इन दोनों को एक दूसरे से प्यार तो नहीं हो गया? चलिए जानते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम ब्रूने और उसकी माँ को देखते हैं। उसकी माँ ब्रूने से कहती है, कल जो लड़की तुम्हारे दोस्त के साथ आई थी, तुम उसे पसंद करते हो ना? तो ब्रूने कहता है, अरे वाह, आपको कैसे पता चला माँ? तो उसकी माँ कहती है, बेटा मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है और रोज हमारे रेस्टोरेंट में बहुत से कपल आते हैं, उनको देखते ही समझ जाती हूँ कि वो लोग एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं। और कल जब तेरा दोस्त उस लड़की के साथ यहाँ आया था तो मैं उन दोनों को देखकर ही समझ गई थी कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। ये बात सुनकर ब्रूने कहता है, अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, फेंग्यू मिंगटेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती, और वैसे भी उस मिंगटेन में ऐसा क्या है, लेकिन मेरी और फेंग्यू की जोड़ी एकदम बढ़िया रहेगी। क्यों, क्या कहती हो माँ? तो उसकी माँ कहती है, तुम सपने देखते रहो, लेकिन लड़की को तो मिंगटेन ही लेकर जाएगा। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं मिंगटेन को, जो कि बॉक्सिंग टूर्नामेंट के बारे में डिटेल्स चेक कर रहा होता है, और उसे पता चलता है कि जेंगजी कॉलेज की बॉक्सिंग रिंग के रूल अलग है। उसे फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब ये देखकर मिंगटेन थोड़ा घबरा जाता है। तभी मिया और जाओमी वहां आती है और उससे कहती है, मिंगटेन घबराओ मत, वैसे तो तुम इतने कम दिनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, लेकिन तुम भागते बहुत अच्छा हो और हम लोग तुम्हारी स्पीड को तुम्हारी स्ट्रेंथ बनाएंगे। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगती है कि मिंगटेन को ट्रेनिंग मैं दूंगी। तभी मिंगटेन उन दोनों को इग्नोर करके अपने मन में सोचने लगता है, अगर मैंने ऐसे ट्रिक करके मैच जीतने की कोशिश करी तो मेरा बॉक्सिंग सीखने का गोल पूरा नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं मिंगटेन के छोटे भाई और बहन को, जो कि स्कूल में बॉक्सिंग सीख रहे होते हैं। तो उनका टीचर उसके भाई की तारीफ करता है और कहता है, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। तो उसका भाई टीचर से कहता है, थैंक यू सर, मैं बड़ा होकर अपने भाई की तरह जेंगजी कॉलेज में एडमिशन लूंगा। फिर ये सब बोलकर वो फिर से प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का उनके पास आता है और कहता है, तुम्हें पता भी है जेंगजी कॉलेज में एडमिशन लेना कितना मुश्किल है? मेरे पापा ने तो मुझे वहाँ पर एडमिशन दिलाने के लिए अभी से मेरे लिए एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया है, और तुम्हारे पास तो कोई ट्रेनर भी नहीं है, मतलब तुम जेंगजी कॉलेज नहीं जा पाओगे। इस बात पर मिंगलम कहता है, मुझे किसी पर्सनल ट्रेनर की जरूरत नहीं है, मुझे तो जेंगजी कॉलेज की क्वीन फेंग्यू जाओबी और मिया ट्रेनिंग देंगी। तो वो लड़का कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। तो उसकी छोटी बहन कहती है, मेरा भाई सच बोल रहा है, फेंग्यू हमारे घर भी आई थी और हमारे साथ बहुत सारी गेम्स भी खेली थी, लेकिन फिर भी वो लड़का उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और बोलता है, तुम दोनों ही झूठे हो, तुमने तो ये भी कहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा विदेश में रहते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि वो दोनों मर चुके हैं, तुम दोनों हर बात पर झूठ बोलते हो। अब ये सुनकर मिंगलांग को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के से लड़ने लगता है। तभी उनका टीचर वहाँ आता है और उन दोनों को लड़ने से रोकता है। फिर वो दोनों टीचर को सारी बात बताते हैं। तो टीचर मिंगलांग से कहता है, बेटा अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही एक अच्छे बॉक्सर बन जाओगे और तुम्हें फेंग्यू का नाम इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। तो मिंगलांग कहता है, नो सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं फेंग्यू को सच में जानता हूँ, और ये सब बोलकर वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिंगटेन को, जो कि कॉलेज की कैंटीन में सब लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, और तभी वहाँ फेंग्यू आती है और उन सबके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। तो जाओमी कहती है, फेंग्यू तुम्हें तो यहाँ खाना खाना पसंद नहीं था, तो फिर आज क्या हुआ? तो फेंग्यू कहती है, क्योंकि प्रिंसिपल ने मुझे भी मिंगटेन की ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए कहा है। फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं। तो फेंग्यू मिंगटेन से कहती है, तुम्हें कार्ब्स नहीं प्रोटीन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब ये सुनकर मिया को थोड़ी जलन होती है और वो फेंग्यू की बातों के बीच में बोलने लगती है। वो कहती है, हमने मिंगटेन का डाइट प्लान बना लिया है और तुम उसकी चिंता मत करो, और देखो मिंगटेन भी तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे रहा क्योंकि वो तुमसे शर्माता है। अब ये सुनकर ब्रूने कहता है, शर्माता? अगर शर्माता होता तो कल रात को मेरे रेस्टोरेंट में ये दोनों खाना नहीं खा रहे होते। ये सुनते ही जाओमी और मिया एकदम शॉक्ड हो जाती है और मिया तो जल भुनकर राख हो जाती है। फिर मिंगटेन कहता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों अलग अलग गए थे लेकिन वहाँ पर बाई चांस एक दूसरे से मिल गए। तो एक बार फिर से ब्रूने कहता है, क्या तुमने तो कहा था फेंग्यू तुम्हें किसी बात के लिए ट्रीट दे रही है। अब ये सुनकर तो मिया और भी ज्यादा किलस जाती है। फिर तभी मिंगटेन को उसके छोटे भाई के बॉक्सिंग टीचर का कॉल आता है और वो मिंगटेन को बताते हैं कि मिंगलांग क्लास में एक छोटे बच्चे के साथ लड़ाई करके भाग गया है। ये बात सुनते ही मिंगटेन तुरंत वहाँ से भागता है और अपने घर आकर देखता है, लेकिन उसको अपना छोटा भाई वहाँ नहीं मिलता। खैर, जब तक मिंगटेन अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ। फिर घर में ढूंढने के बाद वो बाहर जाकर हर जगह अपने भाई को ढूंढने लगता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर हम देखते
मिलते हैं मिंगलांग को, जो कि फेंग्यू के पास आया होता है। फेंग्यू उसे देखकर पूछती है, मिंगलांग तुम यहाँ अपने भाई को ढूंढ रहे हो क्या? तो मिंगलांग बोलता है, नहीं मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। तो फेंग्यू उससे कहती है, अच्छा तो बताओ फिर मुझसे क्या बात करनी है। फिर मिंगलांग अपने स्कूल में हुई सारी बातें फेंग्यू को बताता है और उसे अपने साथ स्कूल में चलने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि फेंग्यू सच में मिंगलांग के साथ उसके स्कूल चली जाती है। फेंग्यू को देखकर सभी बच्चे हैरान होते हैं और सबको मिंगलांग की बात पर यकीन हो जाता है। फिर फेंग्यू मिंगलांग से टीचर को सॉरी बोलने के लिए कहती है, क्योंकि वो किसी को बिना बताए स्कूल से भाग गया था। फिर मिंगलांग टीचर को सॉरी बोलता है और उसकी बहन भी कहती है, उस लड़के ने भी मिंगलांग को झूठा कहा था। तो फिर फेंग्यू उस लड़के के पास जाती है और कहती है, क्यों बेटा अब यकीन हो गया आपको? तो वो लड़का कहता है, हाँ। फिर फेंग्यू उसको समझाती है कि किसी को झूठा बोलने पर कैसा लगता है, और फिर वो उन दोनों बच्चों के बीच दोस्ती करवा देती है। इन सब के बाद फेंग्यू टीचर से कहती है, मैं हर महीने आकर इन सब बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। तो टीचर कहते हैं, अरे क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इतने में मिंगटेन भागता हुआ वहाँ पहुँचता है और फेंग्यू को वहाँ बच्चों के साथ देख कर थोड़ी राहत की सांस लेता है। इसके बाद हम देखते हैं सुनहाओ ज़ियाओमी के पापा को, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ज़ियाओमी के पापा सुनहाओ को अपनी बॉक्सिंग की स्पेशल टिप्स बताते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हें मेरी तीनों कंडीशंस याद है ना? दरअसल ज़ियाओमी के पापा ने सुनहाओ को अपनी तरफ बॉक्सिंग सिखाने के लिए तीन कंडीशंस रखी थी। पहली कंडीशन, तुम्हें यूनिक चीजें पसंद आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, तुम्हें अपने सही फैसलों पर अड़े रहना आना चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, तुम्हें मेरी बेटी ज़ियाओमी के साथ ही बॉक्सिंग सीखनी पड़ेगी। तो सुनहाओ कहता है, अगर मैंने तीसरी कंडीशन नहीं मानी तो आप मुझे बॉक्सिंग नहीं सिखाएंगे क्या? तो ज़ियाओमी के पापा कहते हैं, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें मेरी बेटी अच्छी नहीं लगती क्या? फिर सुनहाओ कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे तो ज़ियाओमी बहुत पहले ही पसंद आ गई थी। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें सुनहाओ लेट नाइट अपनी प्रैक्टिस करके वापस आ रहा होता है और वो देखता है कि ज़ियाओमी अकेले ही अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसे देखकर सुनहाओ उससे बहुत इम्प्रेस होता है और तब से ही वो उसको पसंद करने लगता है। अब ये जानने के बाद ज़ियाओमी के पापा बहुत खुश होते हैं। फिर तभी ज़ियाओमी वहाँ आ जाती है और सुनहाओ को फिर से अपने पापा के साथ बैठा देखकर गुस्सा करती है। वो कहती है, कुछ लोगों को बार बार यहाँ आकर फ्री की चाय पीने में बहुत मजा आता है, चलो कोई नहीं आप लोग एंजॉय करो, मैं रनिंग के लिए जा रही हूँ। तो उसके पापा उसको रोकते हैं और कहते हैं, सुनहाओ को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मैंने तुम दोनों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग तैयार की है। फिर ज़ियाओमी ना चाहते हुए भी सुनहाओ को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मिंगटेन और फेंग्यू को, जो कि स्कूल से निकलकर घर जा रहे होते हैं। तो मार्केट में एक अनाउंसमेंट होती है, हमारे यहाँ गेम खेलो और सारे हॉट डॉग फ्री में ले जाओ। ये सुनते ही दोनों बच्चे भागते हुए वहाँ जाते हैं और उनके पीछे पीछे मिंगटेन और फेंग्यू भी वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि 18 साल से कम उम्र के लोग उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिसे सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। अब उनको उदास देखकर मिंगटेन और फेंग्यू उस गेम में हिस्सा लेते हैं। गेम ये होती है कि एक कटोरी में आटा रखा होगा और उसमें कुछ पिंग पोंग बॉल रखे होंगे, जिन्हें बिना हाथ लगाए बाहर निकालना है। जो टीम सबसे पहले सारी पोल्स को बाहर निकाल देगी वो जीत जाएगी। फिर वो लोग खेलना शुरू करते हैं और सभी लोग कटोरे में जोर जोर से फूंक मारना शुरू कर देते हैं। मिंगटेन और फेंग्यू भी बहुत अच्छे से ये गेम खेलते हैं और उनके पूरे मुंह पे आटा भी लग जाता है, लेकिन वो दोनों सबसे पहले सारी बॉल्स को बाहर निकाल कर गेम जीत जाते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वो लोग एक दूसरे के चेहरे से आटा हटाते हैं और तभी मिंगटेन सोचता है, ये बाहर से जितनी सख्त बनती है अंदर से उतनी ही नरम दिल है। फिर उन दोनों को देखकर मिंगटेन की बहन बोलती है, देखो मुझे लगता है क्वीन मिंगटेन की गर्लफ्रेंड बनने वाली है। ये सुनते ही मिंगलांग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, और वो फेंग्यू के पास जाकर कहता है, क्वीन मैं भी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ और कुछ दिनों बाद मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं मिंगटेन से भी ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। ये सुनकर मिंगटेन उसका मुंह बंद कर देता है और फेंग्यू को सॉरी बोलता है, लेकिन फेंग्यू को उसके भाई की ये सब बातें सुनकर हंसी आ जाती है और वो सोचती है कि ये कितना क्यूट है। इसके बाद हम देखते हैं ज़ियाओमी और सुनहाओ को, जो कि रनिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो दोनों भागकर एक पहाड़ के ऊपर जा रहे होते हैं। सुनहाओ को बचपन से लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की आदत है, इसीलिए वो ज़ियाओमी को पीछे छोड़ देता है, लेकिन ज़ियाओमी भी हार नहीं मानती और जैसे तैसे करके सुनहाओ से पहले पहाड़ के सबसे ऊपर पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचकर ज़ियाओमी सुनहाओ की बोतल से सारा पानी पी जाती है। फिर वो सुनहाओ से पूछती है, मेरे पापा बता रहे थे कि तुम उनसे डेथ स्ट्राइक सीखना चाहते हो। तो सुनहाओ कहते हैं, हाँ मैं वो मोमेंट सीखना चाहता हूँ, लेकिन तुमने अभी तक अपने पापा से ये क्यों नहीं सीखा?
तो जाओमी बताती है, मैं तो सीखना चाहती हूँ लेकिन मेरे पापा मुझे नहीं सिखाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और अगर कभी बॉक्सिंग करते हुए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने किसी पे डेथ स्ट्राइक इस्तेमाल किया तो वो मर सकता है, इसलिए वो मुझे नहीं सिखाते। और हाँ, गुस्से वाले तो तुम भी हो तो वो तुम्हें भी नहीं सिखाएंगे। इस पर सुनाओ कहता है, लेकिन वो तो मुझे सिखाने के लिए मान गए हैं। ये सुनकर जाओमी को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है। फिर सुनाओ कहता है, अच्छा चलो बहुत आराम कर लिया, अब नीचे चलते हैं। इसके बाद जाओमी उसको जंगल के रास्ते से नीचे ले जाती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, बस मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है। इसके बाद हम देखते हैं मिंग टैन को, जो अब ब्रूनेई के रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रहा था। वहीं पर ब्रूनेई और मियाँ भी होते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। दरअसल मियाँ और ब्रूनेई एक दूसरे की मदद करने का एग्रीमेंट करते हैं, मतलब मियाँ ब्रूनेई की मदद करेगी फेंग्यू को उसकी गर्लफ्रेंड बनवाने में और ब्रूनेई मियाँ की मदद करेगा मिंग टैन को उसका बॉयफ्रेंड बनवाने में। तभी उनके रेस्टोरेंट में मिंग टैन का दुश्मन आ जाता है। उसको देखकर मियाँ और ब्रूनेई उसके पास जाते हैं और कहते हैं, ओए तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। तो वो कहता है, मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ और मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। तो मिंग टैन मियाँ से कहता है, कोई नहीं मैं इसको हैंडल करता हूँ। फिर वो लड़का मिंग टैन को परेशान करना शुरू करता है और उसे टेबल साफ करवाता है। फिर वो खाने का मेन्यू मंगवाता है और दो तीन आइटम का नाम लिखवाकर कहता है, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन मेन्यू में बाकी जितनी भी आइटम है वो सारी ला कर दो। ये सुनकर ब्रूनेई और मियाँ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, इतना सारा खाना ऑर्डर करने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि आपको इन सब का पैसा भी देना होगा। तो वो लड़का कहता है, तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम बस खाना लेकर आओ। अब ये सब बात होने के बाद मिंग टैन उसके सामने सारी खाने की आइटम लाकर रख देता है। लेकिन फिर वो लड़का कहता है, वाह क्या बात है, इस खाने को तो देखकर ही बता सकता हूँ कि ये खाने में बहुत ही घटिया होगा, मुझे ये सब नहीं खाना और ना ही मैं इसके पैसे दूंगा, अब तुम्हें ही इसके पैसे भरने पड़ेंगे, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने आया था। फिर ये सब देखकर मियाँ और ब्रूनेई वहाँ आते हैं और उस पर चिल्लाते हैं, लेकिन वो कहता है, ऐसे रेस्टोरेंट में तो मैं कभी खाना ना खाऊं, मैं तो बस यहाँ मिंग टैन से अपना बदला लेने आया था जो शायद अब पूरा हो गया है। लेकिन तभी वहाँ पर सुनाओ आ जाता है और उसको देखकर वो लड़का एकदम से घबरा जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसके आगे क्या होगा, सुनाओ उस लड़के को क्या कहेगा, ये सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं। इस वीडियो पे 500 कमेंट का टारगेट रखते हैं, 500 कमेंट होते ही मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।